तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का सेकेंड ऑब्जेक्ट। हमने लास्ट क्लासेस में फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात की थी, जिसमें हमने वर्कबुक के साथ किया था और वर्कबुक से हमने प्रोजेक्ट भी आपके साथ डिस्कस किए थे। आज हम इसी में आगे बढ़ते हैं और आपके साथ हम डिस्कस करेंगे इसमें कि किस तरीके से सीट को हम यूज करते हैं। शीट्स के बारे में आज का हमारा टॉपिक है। शीट्स जैसे कि हर एक फाइल के अंदर नंबर ऑफ शीट्स होते हैं, उसी तरह से शीट्स के अंदर में बहुत सारे रेंज होते हैं। तो हम पहले शीट्स के बारे में जानते हैं। देखिए, शीट्स के दो नेम माना जाता है। अगर आप इसके डेटा में जाए, इसमें डेवलपर में विजुअलाइजिंग पे, तो आप देखेंगे कि सीट वन दिख रहा है आपको और ब्रैकेट में ठीक है अंडरस्कोर डैश वन दिख रहा है। दिख रहा है सर? तो हर सीट का दो नेम होता है। तो किसी सीट को अगर कॉल करना है तो उसी कॉलिंग मेथड के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। जैसे कि मुझे अगर कॉल करना है कैप्शन नेम, तो मैं लिखूंगा शीट्स और शीट्स में दूंगा टीके अंतरिक्ष अंडरवर्क वन डॉट सिलेक्ट या एक्टिवेट, राइट। तो एक गैप है इसमें। लेकिन अगर मुझे प्रॉपर्टी नेम से चलना होगा तो सी वन डॉट सिलेक्ट। अब प्रॉपर्टी नेम क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं जो ब्रैकेट में है वो आपका कैप्शन नेम है और जो ब्रैकेट से बाहर है इस पे क्लिक करने पे यहाँ प्रॉपर्टी में उसका नाम आता है, उसको प्रॉपर्टी नेम कहते हैं। मतलब जो कैप्शन नेम है वो बाहर यूजर को शो करता है, यूजर हैंडल करता है और कैप्शन प्रॉपर्टी नेम को जो है प्रोग्रामर हैंडल करता है। तो आप कैप्शन नेम से भी कॉल कर सकते हो और उसके प्रॉपर्टी नेम से भी कॉल कर सकते हो। तीसरा कॉलिंग मेथड होता है उसके सिक्वेंस नंबर के, शीट वन डॉट सेलेक्ट। अब सीट वन क्या है, वन नंबर क्या हुआ, ये है सीक्वेंस नंबर या तो क्या है सीक्वेंस नंबर। राइट, जो सीट वन है, हाँ वन पहले सीट पे जो है पोजीशन पे, मान लीजिए सीट थ्री को हमने पहले पोजीशन पे रख दिया तो सीट वन इसी को हैंडल करेगा, कॉल करेगा सी पे जाएगा। ठीक, तो पोजीशन के हिसाब से होता है और इसका यूज हम लोग ज्यादा करते हैं। अब देखिए इसके बारे में, क्योंकि हम कैप्शन नेम वहां यूज करते हैं जहां पे नेम हमारा फिक्स होता है, जैसे समरी, डेटा, रिपोर्ट, ऐसे जो फिक्स नेम होते हैं। बट सीट डिलीट होते रहते हैं, जैसे कि मैंने सीट को पिछले रिपोर्ट को डिलीट कर दिया, नई सीट हमने रिपोर्ट रखी और हमने नया सर रिकॉर्डिंग का परमिशन दे देंगे। तो ये जो होता है आपका सीट का नेम होता है, तो सीट का जो कैप्शन नेम है वो फिक्स है बट प्रॉपर्टी नेम चेंज होते रहता है। प्रॉपर्टी नेम कब चेंज होता है, जब आप उसको बराबर डिलीट करते हैं, राइट। अब बात आती है कि आपका कैप्शन नेम चेंज होता है, जैसे मान लीजिए जनवरी रिपोर्ट, अब उसी रिपोर्ट को आपने पिछला रिपोर्ट के जो डेटा को डिलीट करके उसी सीट पे नया डेटा डाल दिया और सीट का नेम चेंज कर दिया फरवरी रिपोर्ट, तो वहां पे क्या हुआ, कैप्शन नेम तो नहीं चलेगा। मतलब कि सीट हमारा एक ही है, वो हर महीने या हर हफ्ते या हर क्वार्टर पे उसका रिनेम हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है। बट सीट सेम है तो उस केस में क्या होता है, हमारा कैप्शन नेम फिक्स होता है। ठीक है, तो
तो कैप्शन नेम फिक्स होने के कारण हम इसको प्रॉपर्टी नेम से सॉरी प्रॉपर्टी सी डिलीट होने के कारण और सी नॉट डिलीट होने के कारण सिर्फ कैप्शन नेम चेंज होने के कारण हम शीट नेम से इसका यूज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे फाइल होंगे जिसके बारे में आपको पता हो, जैसे मान लीजिए कि आपके एक फोल्डर में 50 फाइलें हैं, 50 फाइल को वन बाय वन ओपन करना है, उसके सीट कैलकुलेटर कॉपी करके पेस्ट करना है, उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि उस सीट के अंदर जो डेटा है उसका सीट का नाम क्या है ये पता नहीं हो सकता, तो हम लोग उसको नंबर से, मान लो 3 सीट है तो 1 2 3 कर लेंगे, काउंट से काउंट निकल जाएगा 1 2 3 कर लेंगे, तो उतने शीट होंगे तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और हमें पता है कि एक्टिव सेल है, एक्टिव सीट है, तो हम एक्टिव सीट का इस्तेमाल करें। तो 4 हमारा मेन कॉलिंग मेथड होता है, समझ में आ गया? प्रकाश जी यस सर, समझ में आया आपको? यस सर सर समझ में। तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से आप कैप्शन नेम चूज करें या शीट चूज करें, प्रॉपर्टी नेम चूज करें या नंबरिंग चूज करें या एक्टिव शीट चूज करें, डिपेंड आप पे चलता है। अब चलिए शीट पे होने वाले कुछ काम के बारे में बता देता हूं। जैसे मुझे कोई शीट ऐड करनी है तो शीट्स डॉट ऐड, जैसे कि हमने वर्कबुक्स डॉट ऐड किया। अब इसमें ये हुआ कि जो शीट आपने ऐड किया है उसका नाम तो डिफॉल्ट शीट 1 2 3 4 होगा, लेकिन चाहते हो कि आपका शीट का नेम डेटा होना चाहिए, तो आप यहां कर सकते हो एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा। अब एक्टिव शीट क्यों लिया हमने, कि हमें पता है कि जो शीट ऐड होती है वही एक्टिवेट होता है, जैसे कि कोई फाइल एक्टिव होती है वही जो फाइल वो क्रिएट होती है वही फाइल एक्टिवेट होती है। सो यहां हमने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे पता है कि डेटा नाम का शीट ऐड करना है, जैसे हमने वर्कशीट वर्कबुक भी किया था, तो शीट डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू हम डायरेक्ट डेटा दे देते हैं। ओके यस सर। अब जो शीट हमारी ऐड होती है वो शीट ऐड कहाँ होती है, तो बिफोर ऑफ द एक्टिव शीट, जो आपका शीट एक्टिव होगा उसी शीट का वो बिफोर होगा, जैसे मान लीजिए ये है तो इससे पहले ऐड कर, लेकिन मुझे मान लीजिए शीट 2 के बाद ऐड करना है, तो शीट ऐड करते समय आप यहां इसको इस तरह से लिखेंगे शीट्स डॉट ऐड, अब जैसे स्पेस मारेंगे आफ्टर एंड बिफोर आता है, तो मुझे क्या चाहिए आफ्टर चाहिए, ठीक है yes. So, ये टाइप और ऑब्जेक्ट क्या क्या बोले तो हो गया ये सब कुछ एक सीखे है ना सर, ठीक है ठीक है। तो आफ्टर एंड बिफोर, तो मुझे आफ्टर करना है तो बिफोर को स्किप करना होगा, जैसे हम लोग फॉर्मूला में स्किप करते हैं कॉमा लगा रहे, तो आफ्टर एक्टिव बोल्ड हो गया ना yeah. यहां पे हम अपनी कॉलिंग मेथड जो है उसके हिसाब से लिखेंगे शीट्स, मान लीजिए शीट 2 है तो यहां पे शीट 2 कर दे, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं 3 2 5 है तो 5वें शीट के बाद, तो यहां पे मैं 5 भी दे दूंगा, तो 5 देने से क्या हुआ कि हमारे सबसे लास्ट में ऐड हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 5 हर बार थोड़ी होगा, बैरो 6 हो जाएगा 7 हो जाएगा, हम इसको डायनेमिक करना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जब भी मेरा शीट ऐड हो वो तो सबसे लास्ट में ही ऐड हो,
जब भी मेरी शीट ऐड हो तो सबसे लास्ट में ऐड हो। तो यहां पे मैं दे दूंगा शीट्स डॉट काउंट। ये क्या करेगा, जिस फाइल में वर्क करेगा उस फाइल को देखेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ शीट्स है। तो 5 है तो आफ्टर 5, 6 है तो आफ्टर 6, 7 है तो आफ्टर 6 कर। तो ये आपका फुल्ली डायनेमिक हो गया कि आपका शीट सबसे लास्ट में ऐड हो। अब किसी ने टाइम के बारे में पूछा था, तो इसके बारे में डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या होता है, सबसे पहले काउंट को सीखिए। अब एक बार में आपका कोई एक ही सीट ऐड होगा, मुझे सीट ऐड करने हैं 10, तो मैं यहां पे 10 दे दूंगा, हो गया। और टाइप जो होता है दिस इज द टेम्पलेट, क्योंकि जब सीट आप एक्सेल पे जाएंगे, आप जब सीट आप ऐड करते हैं ना, यहां से इंसर्ट, तो यहां पे पूरा ना वर्कशीट चाहिए या चार्ट चाहिए या एमएस माइक्रो वाला चाहिए या कुछ और चाहिए, दिख रहा है ना आपको सर, दिस इज द टाइप। yes. इसके बारे में हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। तो शीट को ऐड करना समझ में आ गया, हर एंगल से एक नई शीट को ऐड करना, उसको रिनेम करना। yes. अब हम बात करते हैं शीट को डिलीट करने की। शीट या शीट 4 कर देता हूं मैं, शीट 1 कर देता हूं, शीट 1.delete। बट यहां एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आप शीट को डिलीट करेंगे आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, है ना। yes. तो ये कंफर्मेशन क्या है, एक कंफर्मेशन आपसे पूछ रहा है कि दीवान को बताइए, ये आपका इवेंट है, मतलब जब तक मैं डिलीट पे क्लिक नहीं करूंगा तब तक जो है उससे नीचे की लाइन नहीं रन करने दे, ये माइक्रो ब्रेकर की तरह काम होता है। तो जब भी आप सीट को डिलीट करने का करें तो इस एरर अलर्ट को, सिस्टम अलर्ट को बाईपास करें। कैसे, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज करें। अब यहाँ पे एप्लीकेशन वाला आ जाता है, देखिए एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो जो फॉल्स हुआ परमानेंटली नहीं हुआ है, ओनली फॉर दिस माइक्रो, समझ गए। तो आप डिलीट करते समय वो पॉपअप नहीं, वो जो अलर्ट है वो अलर्ट नहीं शो करेगा, राइट सर। यस ओके। अब इसमें ये हो गया। अब डिस्प्ले अलर्ट के बाद हम बात करते हैं जी। यस सर। सीट को हमने डिलीट कर लिया, हमने ऐड किया, रिनेम किया और डिलीट किया। अब बात मान लीजिए कि हमारी ये रिपोर्ट है, जैसे ये रिपोर्ट है ना, अब मुझे इस रिपोर्ट को मेल करना है, तो मेरे पास और भी बहुत सारे शीट्स हैं, लेकिन मैं मूव करना चाहता हूं सिर्फ इसी शीट को, तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक, मूव एंड कॉपी, क्रिएट कॉपी या मूव बुक, यहाँ पे न्यू वर्क बुक एंड ओके करेंगे, एक नई फाइल में ऐड हो जाएगी और फिर फाइल को सेव करके आया कर देंगे, क्या। Yes. तो यहां पे हम क्या करेंगे इसी चीज को कि शीट 1 या जो भी हम मेथड लें डॉट कॉपी, कॉपी कर दिया और इसके आगे कुछ मत लिखें, ऑटोमेटिकली नई फाइल में कर देगा। अब उस नई फाइल जो क्रिएट हुई है वही एक्टिव है, यहां पे एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज और अपना पाथ दे दीजिए, ये मुझे सेव करना है डी ड्राइव में, 2019 फोल्डर में 123.xls के नाम से, xls एम माफ कीजिए xls नहीं होगा फिर, या xls x कर दीजिए, माइक्रो तो इस पर नहीं है ना, उस पर थोड़ी। अगर आप कॉपी की जगह फाइल को मूव करना चाहते हैं, मतलब यहां से कट जिसे बोलते हैं, तो कॉपी की जगह आपको मूव कर लीजिए।
लेकिन मुझे मूव बिटवीन फाइल करना है या कॉपी बिटवीन फाइल करना है, मुझे यहाँ से उठा के मुझे यहाँ रखना है, या फिर मुझे हम लोग इसकी कॉपी कंट्रोल प्रेस करते हैं ना और इसकी कॉपी बना के यहाँ रख देते, वो करना है। तो उस केस में फिर आप जैसे ही यहाँ पे sheet1 dot move करते हैं, यहाँ पूछता है बिफोर एंड आफ्टर, किसके बाद किसके पहले। आफ्टर कर देता हूं मैं sheet, so sheets, और sheets में हमने दे दिया sheet 3, राइट। ये तो हो गया हमारी एक्टिव फाइल, ये हमारी एक्टिव फाइल हो गई। लेकिन मुझे मेरे पास एक और फाइल है, कैश वन नहीं है, वो बुक वन है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी ए जो शीट है वो बुक वन की शीट थ्री के बाद कॉपी हो जाए, तो या बुक टू की, जो भी बुक टू है, बुक टू की हो। तो यहां पे मुझे उसका पाथ देना पड़ेगा, तो वर्क बुक्स, और यहाँ पे हम देंगे बुक टू डॉट एक्सएलएस जो भी आपका एक्सटेंशन है डॉट शीट डॉट मूव। देखिए वर्कबुक आपका ओपन होना चाहिए, ठीक है। ओपन नहीं है इसके ऊपर आप ओपन एक कोड, मान लीजिए बुक टू ओपन नहीं है तो हमें मूव करना है उसमें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप करोगे वर्क बुक्स डॉट ओपन, कहां से, तो एक पाथ के हाँ फलाने ड्राइव से, फलाने फोल्डर से, क्या नाम है, बुक टू डॉट एक्सएलएस, उसको ओपन किया गया। लेकिन जब ओपन होगा तो हमारा बुक टू एक्टिवेट होगा, हमारी जो ये है कैश वन है वो तो एक्टिवेट होगी नहीं, तो वो यहां पे हमें करना पड़ेगा, या यहां पे वर्क बुक्स और यहां पे कैश वन डॉट एक्सएलएस एक्स या एक्सएलएस एम एम एस डॉट एक्टिवेट। ये क्या करता है, जैसे आप मान लीजिए कैश पे हो तो मुझे बुक वन पे चाहिए, तो हम जो बुक वन पे क्लिक करते हैं तो ये एक्टिवेट उसी काम का करता है, तो ये फाइल को एक्टिवेट करेगा, फिर सीट को मूव करेगा, किस सीट में, तो फाइल ओपन नहीं है तो आपको ओपन करने का कोड होगा। लेकिन जब ओपन करिएगा ध्यान रखिएगा कि जो फाइल ओपन करने से पहले एक्टिवेट थी वो आपकी डीएक्टिवेट हो जाएगी, जो फाइल ओपन होगा वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है सर। यस, कोई डाउट इसमें, नहीं। तो कॉपी और मूव समझ में आ गई, हेलो। यस यस, अब बात करते हैं पुट इसकी हाइड और अनहाइड। तो सीट वन डॉट विजुअल, ध्यान से देखिएगा विजुअल, विजुअल में यहां इक्वल प्रेस कीजिएगा, क्योंकि विजुअल भी इक्वल को प्रेस करना है, क्योंकि विजुअल हमारा प्रॉपर्टी है इक्वल। अब यहां पे मैंने एक्सेल विजुअल कर दिया, सॉरी एक्सेल हिडन कर दिया, इक्वल एक्सेल हिडन, इससे क्या होगा, ये नॉर्मल हिडन होगा, मतलब कि बाहर से कोई भी इसको वापस अनहाइड कर सकता है, जैसे अनहाइड हुआ ना, यहाँ अनहाइड कर सकता है। आप चाहते कि यूजर अनहाइड ना कर पाए, अनहाइड वही कर पाए जो कोड एक्सेस कर पाए, तो उस केस में हम यहां देंगे सीट वन डॉट विजुअल इक्वल टू वेरी हिडन। अब वेरी हिडन को अनहाइड करने के लिए आपको वीवी के जरिए ही कोड के जरिए ही करना पड़ेगा, विजुअल इक्वल टू एक्सेल सीट विजुअल। तो वेरी हिडन सिर्फ प्रोग्रामर ही उसको विजुअल कर सकता है कोड के जरिए, एक्सेल यूजर नहीं कर सकता, मतलब बाहर से कोई इसको अनहाइड नहीं कर सकता,
तो विजिबिलिटी समझ में आ गई आपको? कोई डाउट इसमें? तो लास्ट हम सीट में क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, पासवर्ड डालते हैं सीट को। तो यहां पे सीट वन डॉट हमने दे दिया प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्ट में हमने पासवर्ड डाल दिया। उसके अलावा ये बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स है। मतलब कि जब आप प्रोटेक्ट करते हो किसी भी सीट को, तो आपको यहां पे दिख रहा है, ये तो इतने चेकबॉक्स होते हैं ना, ये चेकबॉक्स जो दिख रहा है आपको, ये चेकबॉक्स होता है आपका। तो किस पे क्लिक करना है, किस पे क्लिक नहीं करना है, ये आप यहां डिसाइड करते हो स्पेस पे। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो वापस अनप्रोटेक्ट करना है आपको, तो यहां पे वापस सीट वन डॉट अनप्रोटेक्ट पास अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। तो जनरली सीट में हम यही करते हैं ना, तो आप लोग से इसकी प्रैक्टिस करें। अगली क्लास में हम आपको इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे हमने वर्कबुक को किया, ताकि इन सबों का यूजेस आपको समझ में आ जाए।